हाँ जी सत श्री अकाल जी सारियां नूं महाराज चढ़दी कला च रखे सारे भैन भाइयों सारे सुखी वसों जी। अज जी आपां जिहड़ी वीडियो लैके आए हैं ये लैके आए हैं जी अखां दी रोशनी प्रति हुंदे ने अखां गईआं जहान गया दंद गए स्वाद गया। निगाह घटी तो आपां ऐनक तां ला लैंदे आ पर अपनी मजबूरी बन जाती है बहुत औखी लगती है रेगूलर ऐनक ला के रखनी जे इहदा चलो घर विच आपां अपना हल लभ लीए हल कर लीए इहदे वर्गी कोई रीस नहीं जी। कई बार आपां घौल कर जन्ने आ भी चलो छड्डो सानू कित्थे आराम आउणा है। जिहड़ा अज नुस्खा तुहानू दसण लगे आ जी ये साढ़े बजुर्ग अपनाउंदे ने जी खा रहे ने इस टाइम जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां असीं तुहानू दसांगे ये मैं खुद ने भी शुरू कीतियां ने। मेरी थोड़ी जी निगाह की प्रॉब्लम होर सीगी जी धुप तो भी एलर्जी सीगी मैनू डॉक्टर साहब ने कहा कहिंदे भी ऐनक तुसीं रेगूलर ला के रखनी है ऐनक बिना बाहर नहीं निकलना। चलो थोड़ा चिर मैं ये चीज़ नू नहीं गौरिया हैगा मैं क्या चलो भी उदा ही कहता डॉक्टर साहब ने जदों मैं अपनी मर्जी कर बैठी फिर मेरी निगाह घटनी शुरू हो गई तां करके मैनू ऐनक लाउणी पई। तो जेड़ा मैं अज तुहानू नुस्खा दसण लगी हाँ इहदा 100% रिजल्ट है जी बिल्कुल देसी नुस्खा है जी। आपां ने सब तो पहला भुने हुए छोले लैने ने जी 500 ग्राम बादाम 100 ग्राम तो मगज 200 ग्राम काजू 100 ग्राम तो मिसरी लैनी है धागे वाली 200 ग्राम जिहड़ी छोटी इलायची है जी वो तुसीं लैनी है 50 ग्राम। इन्हां सारियां चीज़ां नूं आपां ने एक मिक्सी च पा के मिक्स कर लेना जी इहदा पाउडर बना लेना। पाउडर बना के दुध दे गलास विच 1 चमचा 1.5 चमचा तुहाडी मर्जी है 1 चमचा भी लै सकदे हो 1.5 चमचा भी लै सकदे हो दुध दे 1 गलास च ठीक है जी। घोल के भी ये पाउडर नूं तुसीं दुध च पी सकदे हो तुहानूं उदां नहीं चंगा लगता तुसीं दुध दे गलास दे नाल वैसे भी 1 तो 1.5 चमचा खा सकते हो डायरेक्टली ठीक है जी। साढ़े बजुर्ग ने जी 90-95 साल की एज है उन्होंने तुसीं मनोगे साढ़े तो ऐनक लग गई असी बच्चे हैं उन्होंने तो वो बगैर ऐनक तो पाठ करते ने गुटका साहब तो अखबार भी बगैर ऐनक तो पढ़ते ने देखो अखबार के अखर किन्ने बरीक होंगे ने किते लग्या उन्होंने भी मैनू लगता घमेर घमूर आँदी है क्योंकि एज बहुत ज़्यादा हो गई जी तां करके माणी मोटी 10-20 मिनट लई उन्होंने ऐनक लाउणी है नहीं ऐनक तो बगैर ही सारा काम करते ने वो जिद्दां पाठ दस्सिया तुहानू मैं अखबार दस्सिया होर काफ़ी काम होंदे ने जी घरां दे सियाणे पहलां वह लगातार ऐनक के रखते सीगे जदों उन्होंने 10 साल तो यह नुस्खा वरतना शुरू किया है उन्हां दी ऐनक लै गई जी। जद इन्नी एज विच ऐनक लै सकती है साढ़े छोटी एज के बच्चों के 5-5, 10-10 साल के जवाकों के ऐनक लग गई जी वो ऐनक भी लै सकती है ठीक है जी। मैं भी यह नुस्खा स्टार्ट किया मैं फिर कहनी हाँ जी इस नुस्खे का 100% रिजल्ट बिल्कुल सही है जी साडियां अखां दे सामने है जी। आपां जी जदों अपनियां अखां नूं प्रॉब्लम हुंदी है जां निगाह घटदी 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 जांदी है एज बड़ी हुंदी जांदी है जी हजारां रुपए लग जांदे आ अपने लैंस पवाउण ते ठीक है जी 100 होर प्रॉब्लमां खड़ियां हो जांदियां जदों निगाह घट हुंदी है नाल दी नाल होर प्रॉब्लमां शुरू हो जांदियां ने ठीक है जी। जे आपां कहीए एज दे हिसाब नाल 5-4 साल दे बच्चे दी कड़ी एज हुंदी है जी चलो ठीक है 50 टप के 40 टप के ऐनक लग गई वो वक्री गल है
ठीक है जी, अपने शरीर च किसी ना किसी तरह की तत्तां की घाट आ जाती है जी। ये नुस्खा साडा वध तो वध किन्ना क होऊ, 600-700 का होगा जी, 1000 रुपया लग जू। ठीक है जी, इन्ना क अपना 1000 रुपये अपनी जे कहने निगाह बननी शुरू हो जाए तो सानू ये 1000 रुपया दुखदा नहीं है। ठीक है जी, ये जिहड़ियां चीज़ां ने देसी ने ताकतवर ने इन्होंने सानू निगाह दी नाल नाल साडे दिमाग नू भी कहने शक्ति देनी है, त्रौत करना है। हुण तुहानू पता ही है जी, सारियां चीज़ां ये तेल नाले भरपूर ने, बादाम हो गए, प्रोटीन बहुत ने इन विच। ये तुसी आपां वैसे भी आपां घरां च बच्चों बादाम दो दो चार चार रोज़ दिंदे रहने हैं। ठीक है जी, जे आपां सारा ये नुस्खा तैयार करके इहदा सेवन कर लिए उहदे वर्गी रीस नहीं हैगी। तुसी जरूर कोशिश करियो वाधू पैसे खर्चण नालों ये 1000 रुपये अपनी निगाह बननी शुरू हो जाए। इहदे वर्गा कोई आपां नूं वरदान नहीं जी हैगा महाराज दा। तुसी जरूर इस चीज़ नूं तैयार करके इहदा सेवन जरूर करियो। ये जिहड़ा तुसी सारा ही 1000 रुपये का लिया के समान तैयार करना है जी, इन्हें 1.5 तो 2 महीने तुहाडे कोल नहीं मुकना हैगा जे एक जना इहनूं खांदा है। ठीक है जी, इन्हें पता नहीं होर निगाह दे नाल नाल किन्नियां अपने बीमारियां नूं आराम देना है। महाराज ने चाहिया एनक भी लै जूगी 1-2 साल 'च, कोशिश करन दा कोई हर्ज नहीं जी। घर दीआं चीज़ां सारियां कोई इहो जी गल नहीं, देसी नुस्खा है जी। जरूर तुसी ये नुस्खे नूं तैयार करके इहदा सेवन करियो, महाराज जरूर कृपा करो। हुण तुहानूं जी ऐन चंगी तरह मैं समझाता, फिर भी कोई भुल चुक हो गई होवे जां मेरे समझाउण 'च किते घाट रह गई होवे तुसी कमेंटां राहीं पुछ सकदे हो। साडे चैनल नूं सबसक्राइब ते शेयर ते लाइक जरूर करिया करो जी। इस वीडियो नू वध ते वध शेयर करियो। चलो ठीक है जी, कोई बोलदियां कोलों भुल चुक हो गई होवे तां जरूर माफ़।